तो फ्रेंड्स सभी चलिए चल के खाते हैं वेज बिरयानी। तो फ्रेंड्स देखते हैं टेस्ट कैसा। नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त साहिल, आज की ब्लॉग पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स कल रात में फिलहाल मेडिकल में है रुका था और कल रात कोई लॉज मिला नहीं, तो कल रात मैंने ऑनलाइन में एक लॉज बुक कर दिया है और वो जो लॉज है 9 या 9:30 बजे खाली हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी चलिए चलते हैं लॉज में और देखते हैं क्या कैसी है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। तो फ्रेंड्स फिलहाल अभी चलिए चलते हैं लॉज में और ये जो लॉज है मेडिकल से, मेडिकल की गेट से 100 या 150 मीटर के अंदर ही होगी, बहुत ही नज़दीक। और ये जो लॉज है ये है श्री कृष्णा गेस्ट हाउस। और फ्रेंड्स अभी चलिए चलते हैं, ऑनलाइन तो बुक किया था, अभी ऑफलाइन बुक करते हैं, फॉर्मेलिटी मेंटेन करते हैं। और फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल दरवाज़ा को करते हैं बंद और आपको मैं दिखाता हूँ रूम। और यहाँ पर लगा हुआ है एक LED और एक फैन लगा हुआ है और एक बेड है, बेसिक ये दो रूम है। और फ्रेंड्स ये फ़िलहाल एक किचन ही है, किचन को रूम बनाया गया है। और फ्रेंड्स इस तरफ भी और एक रूम है छोटा सा, दो बेडरूम है छोटा छोटा, पर ये किचन रूम है। और फ्रेंड्स यहाँ पर लगा हुआ है एक बेसिन, अब खोल देते हैं स्क्रीन को। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये किचन रूम ही है। और इस किचन रूम से मुझे एक मजा की बात याद आई, मैं 4 साल या 5 साल पहले भी एक मेडिकल केस में आया हुआ था और कटक और भुवनेश्वर के बीच में रुका हुआ था, एक कैंसर मेडिकल में, मतलब ऐसे केस में आया था। तो उधर भी मैंने एक रूम बुक किया था ऐसे लॉज, और उधर भी जो मुझे लॉज मिला था वो भी किचन रूम था, मतलब ऐसे किचन रूम जो है इस किचन रूम को मॉडिफाई करके बेडरूम किया गया था। मतलब मैं 2 बार लॉज में रुका हूँ इस कटक भुवनेश्वर में और दोनों बार ही मैंने किचन में ही रुका है। तो ठीक है, मॉडिफाई की गई है और यहाँ पर तो आपको पता ही है काफ़ी शातिर इंसान रहते हैं पूर्व ओडिशा में। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है इस रूम में। यहाँ पर लगा हुआ है एक फैन, देखिए ये, और एक फैन लगा हुआ है इधर, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक स्क्रीन LED स्क्रीन के साथ। तो फ्रेंड्स सभी बैग से सारी सामान निकाल देते हैं, जितने भी कपड़े लाए थे और ब्रश ये जो हो गया, ब्लूटूथ वगैरह, चार्जर वगैरह। फ्रेंड्स अभी फिलहाल टाइम हुआ है देख सकते हैं 11:50। और फ्रेंड्स अभी चले चलते हैं मार्केट, एक साबुन लेके आते हैं क्योंकि मैंने साबुन लाया नहीं, एक शैम्पू भी लाते हैं क्योंकि रास्ते में बहुत सारी डस्ट हुआ करती थी, बहुत तालचेर से बहुत सारा डस्ट, तो जो हेयर है वो बहुत ही गंदा हो गया। तो फिर चलिए चलते हैं मार्केट और थोड़ा सा घूम के आते हैं और एक साबुन और कुछ लेके आते हैं खाने के लिए। और फ्रेंड्स लेते हैं चाबी और लॉक करके जाएंगे बाहर से। और एक कंडीशनर भी एक पीस दे देना, ये पीनट। तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल मैं तो मार्केट से आ गया और दीदी भी आई है खाना खाने, और मेरी यहाँ पर एक सिस्टर भी रहती है, एक मौसी की बेटी, और वो खुद खाना बना के लाती है, राइस और दाल, मतलब बहुत ही लाइट खाना क्योंकि वो अभी 1-2 महीना शायद बहुत ही लाइट खाना खाएगी, कुछ जंक फूड फास्ट फूड वगैरह नहीं खाएगी। सभी फिलहाल टाइम हुआ है 1:30 और फ्रेंड्स अभी चले चलते हैं किसी होटल में खाते हैं क्योंकि मैं नहा धो के पूरा रेडी, और सुबह मैंने सिर्फ खाया था इडली और बड़ा खाया था। तो फ्रेंड्स अभी चले चलते हैं, उससे आते हैं यहाँ खाएंगे, यहाँ मस्त है।
डाइनिंग टेबल जैसा है, बेड है। और फ्रेंड्स यहाँ खाएंगे क्योंकि बाहर थोड़ा सा डस्ट बहुत ज़्यादा है, ये तो गांव नहीं है ये तो शहर है, यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स अभी चलिए निकलते हैं किसी होटल में और कुछ खाना लेके आते हैं, देखते हैं क्या है और यहाँ बैठ के खाते हैं। यहाँ तो बहुत ही शानदार जगह है देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ बैठ के खाते हैं। तो अभी चलिए निकलते हैं बाहर। वेज बिरयानी पार्सल हो, वेज बिरयानी पार्सल उड़े तो। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल आ गया है हमारा खाना, अभी चलिए चलते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और इसके बाद टूट पड़ते हैं खाने के ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी चलिए चल के खाते हैं वेज बिरयानी, तो फ्रेंड्स देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। शहर की एक अच्छी क्वालिटी मैं आपको बताऊं कि शहर में जो है छोटी स्टोर में जाइए या फिर बड़ी स्टोर में जाइए, रेस्टोरेंट में भी जाइए, खाना का जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है शहर में, क्योंकि बड़ी शहर है यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा चलता है खाने में, क्योंकि सब जिंदगी में सबसे पहले है स्वास्थ्य, इसके बाद पैसा, तो इसीलिए खाना जो शहर में है वो काफ़ी अच्छा। देखिए मैं जहाँ से लाया वो इतना बड़ा नहीं, एक छोटा सा केबिन जैसा स्टोर था, तो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, अच्छी चावल है। तो फ्रेंड्स मैं और एक अच्छी क्वालिटी बताऊँ शहर की, और शहर की और एक अच्छी क्वालिटी ये है कि यहाँ पर खाना बहुत ज़्यादा देते हैं। मेरा जो वेज बिरयानी है इसका लिया 80 रुपया, हमारे होम टाउन में भी 80 रुपया, हमारे जैसे ब्लॉक में, आपके भी जैसे ब्लॉक में। और यहाँ खाना का जो मतलब खाना यहाँ बहुत ज़्यादा देते हैं, मतलब हमारे होम टाउन जैसे हमारे ब्लॉक में जैसे बिरयानी देते हैं तो उसका डबल देते हैं यहाँ। यहाँ जितना देते हैं बिरयानी हमारे होम टाउन में उसे आधा पूरा देते हैं, मतलब यहाँ खाना बहुत ज़्यादा देते हैं। मतलब मैं तो देखिए बहुत सारा खाना है अभी खा नहीं पाऊँगा, पर फिर भी मैं टोटल खा दूँगा क्योंकि मैं नेचर लवर, तो इसलिए जो नेचर को प्यार करता है वो खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता, तो मैं टोटल खा जाऊँगा। रात में थोड़ी सी कम खाऊँगा, एक दो रोटी खा लूँगा, नहीं तो खाऊँगा ही नहीं, पर मैं टोटल फिनिश कर दूँगा। मैं खाना वैसे फेंकता नहीं हूँ, मेरे नीचे भी एक बूंद भी मैं खाना कभी भी फेंका नहीं है आज तक, तो क्योंकि बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। ये जो राइस है ये किसान कितने मेहनत से मतलब उगाया है मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो कितने मेहनत से आप मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे कि कितनी मेहनत से हम जाते हैं सुअर और हाथियों से हमारी फसल को कितनी मेहनत से लाते हैं, फिर घर पहुँचना मतलब लास्ट में चूहा खाने के बाद जो बनता है हमारी पेट में जाता है, हाथी सुअर कीड़ा ये सब लगेंगे, इसके बाद जो बचेगा हम खाएंगे, कितनी मेहनत से आता है। जो किसान है वो ही समझ सकता है कि खाना खाने की मतलब चावल की जो अहमियत क्या है। चलिए चल के खाते हैं, अभी ज़्यादा बात नहीं तो संदीप माहेश्वरी बन जाऊँगा ना। टोटल खाना फिनिश, ये खाना नहीं है, ये जो वो पत्ते होते हैं नहीं, दालचीनी ये सब है, टोटल फिनिश। आपको भी खाना नहीं पकाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए खाना को, बहुत मेहनत से आती है खाना भाई, जो इसको पता है उसको पता है। पेट एकदम फुल, रात कुछ नहीं खाऊंगा, नहीं तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि तेरा पेट निकल गया, पेट निकल गया, इसीलिए थोड़ी सी डाइटिंग में अभी यहाँ पर 8-10 दिन रहूँगा तो डाइटिंग टूटा बंद, क्योंकि गांव में तो मैं सुबह सुबह हर दिन 6 से 12 किलोमीटर रनिंग करने जाता हूँ, पर यहाँ से 2 वजन तो लेकर ही जाऊँगा यहाँ से। अब
कितना भी कंट्रोल कर लो, शहर में आओ तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते खाना को। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है 2:16। तो फ्रेंड्स अभी टाइम है 6 फिलहाल, और अभी चले चलते हैं मार्केट में, कुछ बिस्कुट केक फेक कुछ लेते हैं और दीदी को दे देते हैं, वो खाएगी। और रात का खाना वो कैंटीन में खाएगी क्योंकि मेडिकल में बहुत बड़ी कैंटीन है। तो फ्रेंड्स 3-4 घंटे कैसे आँख लग गई पता ही नहीं चला, क्योंकि कल रात मैंने सोया नहीं था ठीक से। ब्लॉग को करते हैं यहीं पर, दोनों फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक न्यू ब्लॉग में।